होता है। सॉरी बेटा। कब लगी? मुझे भी नहीं पता। मैं तो रिसेस में। कैसे? ऐसे। नोट में साइन चाहिए पड़ता है। बस। ले, हो गया। सर आज ना मुझे हाफ डे पे घर जाना है। क्यों? वो हमारे घर ना सत्य नारायण भगवान की पूजा है। छुट्टी। हाँ सर, साइन के साथ जा सकते हो। कितनी मक्का रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं हूँ एक नंबर की झूठी, लेकिन असली में नहीं। ये झूठ आप लोगों को तो बहुत हंसाएगा, लेकिन क्या मुझे फंसा पाएगा? इसको देखने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 3 लाख लाइक्स तक जरूर पहुंचा देना। तो चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। भैया एक टिकाटा, एक स्प्राइट, एक लिमका। भैया आप तो एक ही हो जो इस पूरी कॉलोनी की रक्षा करता है। हाँ? जो उसी शक्ल का हाँ हमेशा कहता रहता है जागते रहो और खुद तो सोता रहता है। हम क्या करें भाई? अरे नंदा इतनी जल्दी? अपने कंडक्टर आंटी की तारीफ नहीं करोगे आज? अरे आंटी आपकी क्या तारीफ करनी, आप तो एक गुलाब का फूल हो, गुलाब की झाड़ियाँ हो। अरे वो सब तो छोड़ो, आप गुलकंद हो। चल छुट्टी। बरबर खा खा के टायर निकल गया और बुढ़िया को गुलाब लगा के सुमर में शर्म भी नहीं आती। अब कौन आ गया इस टाइम पे? अरे हाफ डे में से स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई आप? वो ना मम्मी, वो ना मेरे जो प्रिंसिपल है ना उनकी दादी निकल गई। कसम से, वो सब छोड़ो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो। ये पहले पापा को चाय दे आओ, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है। पापा चाय। बेटा चाय दे दो, आप ये ले जाओ। चल झूठी कहीं की। हाँ, पैसे तो जैसे पेड़ पे उगते हैं। है मम्मी, जैसे हमें तो पता ही नहीं था। हेलो, हाँ जी, आप 50,000 है ना? हाँ आप 50,000 दे दो। कब तक भिजवा दोगे? 2 बजे तक सर। ठीक है, 2 बजे तक भिजवा देना, पर थोड़े ध्यान से। ओके। अंकुर गैस खत्म हो गया, जरा नीचे से सिलेंडर ले आना। चलो जब तक वो नहीं आ रहा है सिलेंडर ही ले आता हूँ। कौन है अनंतिया, जरा देखना तो। ठीक है मम्मी। अरे अरे सॉरी, आप मुझे कहीं किडनैप करने तो नहीं आए हो? अरे वाह अंकुर, अनंत की बेटी हो। बेटा पापा हैं घर पे? अरे वो काम से आया, 1 घंटा लगेगा। एक काम करो, ये एक लिफाफा है, ये जाके सीधा पापा को देना, खोलना नहीं, ये पापा के काम की चीज है। बेटा ये रख लो, उनको दे देना, मुझे जाना है बेटा। लेकिन जो काम के लिए मना किया है उसको करने में तो मजा आता है। ये बहुत क्या चीज है पैसा, ये बहुत क्या चीज है मिलते रहे यहाँ तो लाइफ सेट है। yeah. इससे पहले और कोई नुकसान हो
हेलो भारती। हाँ बोल। वो सिटी पार्क में ना 10 मिनट के अंदर सुखड़े के साथ मुझे मिल जाओ। ठीक है ठीक है। बाय। बेटा कोई अंकल आए थे, कोई लिफाफा देके गए हो? हाँ आए थे ना पापा, एक लिफाफा देके गए। लिफाफा कहाँ है? ये ना लिफाफा, और इसमें फोटो फ्रेम था। कहाँ है फोटो फ्रेम? मेरे रूम में। जरा लेके आना बेटा। चल छुट्टी। झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब फ्रेम कहाँ से लाऊं? एक मिनट, ये रहा वो फोटो फ्रेम। मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैं निकलती हूँ। एक मिनट, ये फ्रेम तो आपके दोस्त ने लिया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। पापा उसकी याद मत दिलाओ, उससे ना मेरी लड़ाई हो गई तो मैंने उसको सारा अपना सामान लौटा दिया। मैं जाती हूँ, मेरा लेट हो रहा है। इसको फोन लगाता हूँ, उसने फ्रेम को दे दिया पैसे की जगह पे। बड़ी स्टाइल मार रही है। क्यों बुलाया हमें? अरे तुम लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे पार्टी दो पार्टी दो, तो आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। रोकड़ा चाहिए होता है उसके लिए? ये बस थोड़े से ही है। अभी भी 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 भी। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तुम्हें आम खाना है या गुठलिया चूसना है? वैसे चूस रहे आम को देख के तो लग ही रहा है तुम्हें गुठलिया चूसना है। ए, नहीं, 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 हमें आम खाना है, आम खाना है। पहले शुरू करते हैं आइसक्रीम पार्टी। जो तुम्हें आइसक्रीम चाहिए थी सिर्फ दो ही मिली। तू क्या खाएगी? वो पहले बोल रही है ये मेरी है। मम्मी है ना? सुन, जिस हिसाब से तेरी बॉडी है ना, तुझे आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए। जो वो सामने मॉल दिख रहा है ना, जरा वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे तू जूस पियो और हम लोग शॉपिंग करेंगे। हाँ, चलो। कहाँ ब्रांडेड जगह है? 1000 रुपए? जब मैं शॉपिंग करा रही हूँ तो तेरे गुड़े तो चल रहे हैं। आज भी अनंत्या देगी। फोटो फ्रेम भेज दिया आपने, मैंने आपसे पैसे मांगे थे, मुझे लोगों को पैसे देने हैं। एक मिनट होल्ड करना भैया। मिस आनंद, ये गिफ्ट्स कहाँ से ला रही हो? पापा वो याद है ना मेरी फ्रेंड जिससे मेरी लड़ाई हो गई थी, उससे मेरी बहुत अच्छी फिर से दोस्ती होगी, तो उसने मुझे सारे गिफ्ट्स लौटा दिए। आप और आपके दोस्त सभी बिन पेंडी के लोटे हैं, कभी गिफ्ट इधर कभी गिफ्ट उधर। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। चल छुट्टी। डर क्यों रही हो? चोरी की है क्या कोई आपने? अपने घर में भला कौन चोरी करे? अच्छा हटो, दोनों मुझे फाइल निकालनी है अपनी। मेरे रूम में नहीं है। बेटा यहीं रखी है, मुझे याद आ गया, हटो यहाँ से। क्या हुआ? पैसे ढूंढना है ना, फाइल ही तो है। आप तो पकड़ी जाती। लेकिन मेरे पैसे क्यों नहीं मिले? मेरे पैसे कहाँ चले गए? रामा रे रामा,
अरे पैसे थोड़ी ना ऐसी कोई बात है। अंकुर आनंद लंगर मार के आ गया। लंगर आपके तू जाएगी। हमने आज आपको पैसे दिए, आप मना कर रहे हैं कि पैसे कौन से पैसे लिफाफे में फ्रेम रख के भेज दी। अरे भाई अरे पूरे 50,000 रुपए थे। किसको दिए? तुम्हारे पर, ये तुम्हारी लड़की को दिए थे हमने। अरे बाबा जी लिफाफा दिया था उसमें फ्रेम ही था। झूठ बोल रहे हैं अंकल। बोलियो हाँ झूठ। अरे बच्चे झूठ नहीं होते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एक नंबर की झूठ है तुम्हारी लड़की। अरे मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है। हाँ ये बच्ची झूठ नहीं बोलती है। फोन दे फोन। हाँ फोन, पुलिस को फोन लगाए। लगाओ लगाओ पुलिस को फोन लगाओ, बुलाओ पुलिस को। हेलो हेलो सर, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम क्यों डरे। हाँ सर आ जाइए सर, यहाँ पे सर आ गए, सर आ गए। आइए सर, यही आदमी है जिसने पैसे लिए थे, लेके जाइए सर। प्लीज अंकल मेरे पापा को मत लेके जाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे बापू ने फ्रॉड किया, जेल जाएंगे ये। प्लीज अंकल मेरे पापा को मत लेके जाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। बेटे थारे बापू ने झूठ बोला है, जेल जाएंगे ये। पापा ने झूठ नहीं बोला है, झूठ मैंने बोला है। पैसे ले लिए थे अंकल से और वो सारे खर्च कर दिए और उसके बदले फ्रेम दिखा दिया। अब तो मैंने सच बोल दिया है तो प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। आप सब हंस क्यों रहे हो? पुलिस मेरे पापा को लेके जाने वाली है। क्योंकि ये सब नाटक था। हाँ अंदर चलो, बहुत गर्मी हो रही है, अंदर समझाते हैं इसको। अरे कुछ बताओ भी तो। याद है आज सुबह जब आप चाय लेके आई थी? बेटा चाय दे दो, आप ये ले जाओ। Oh no! अरे निशा जरा जल्दी आना एक मिनट। हाँ बोलो। मैंने 20,000 रुपए रखे थे, इसमें तो सिर्फ 14,000 रुपए ही है। अनंतिया तो नहीं आई थी यहाँ पे? हाँ। तुम्हारी बेटी ना बहुत झूठी और मक्कार हो गई है और वो मानेगी नहीं कि वो पैसे ले गई है। छोड़ूंगी नहीं। अरे रुको रुको, बैठो जरा, बैठो बैठो यहाँ पे। बहुत बदतमीजी हो गई है उसकी। उस झूठी को सच्ची बनाने का एक प्लान है मेरे पास। कैसे? बताऊंगा अभी। अरे बाप रे, लेकिन ये सब कौन है? ये सब पापा के ऑफिस के फ्रेंड्स हैं। आपके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम सबने नाटक किया। सॉरी मम्मी पापा, अब से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ पैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं अनन्या, अगर सच की राह में आने के लिए कोई कीमत चुकानी पड़े तो देखा दोस्तों, एक कहावत है झूठ बोले कौवा काटे, लेकिन मुझे तो इतने सारे कौवों ने काट लिया तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई लव यू मम्मी पापा। चल झूठी कहेगी।